नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर माँ गंगा की आरती में आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा आरती, नमामि गंगे नृत्य नाटिका व लेजर लाइट शो के अलौकिक दृश्य के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गुरुवार को अटल घाट पर नगर निगम, जिला प्रशासन और श्रीमद् भागवत परिवार की ओर से आयोजित गंगा आरती में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मां गंगा को पुष्प, दूध और चुनरी अर्पित कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद शंखनाद और घंटा घड़ियाल के बीच विधि विधान से माँ गंगा की आरती हुई। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंदिनी, हर नाग विबुध बंदिनी, जय जनन वालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंदिनी, हर नाग विबुध बंदिनी, जय जनन वालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभा, विष्णु पद सरोज राशीष शीश पर विभा, त्रिपथ गासि पुण्य राशि पाप छालिका, त्रिपथ गासि पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर चंदिनी, हर नाग विबुध बंदिनी, जय जहन बालिका। वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए पुजारियों ने अटल घाट पर भक्तों को काशी की गंगा आरती की अनुभूति कराई। आरती के बाद पहली बार नाव पर मौजूद कलाकारों ने नमामि गंगे हर हर गंगे थीम पर नृत्य नाटिका से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने नमो नमो शंकरा और बम लहरी गानों पर नृत्य किया। इसके बाद गंगा की धारा में लेजर लाइट शो के जरिए गंगा यात्रा का जीवन दृश्य दर्शाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अटल घाट अब काशी, हरिद्वार व प्रयागराज के बाद मां गंगा की दिव्य आरती के लिए पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पावन धरती से अविरल गंगा निर्मल गंगा का संदेश दिया था। कहा कि गंगा में गिर रहे नालों को बंद किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से रोजाना अटल घाट पर गंगा आरती करने का आह्वान किया। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मां गंगा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि आज यह दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री अजीत पाल, कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक महेश त्रिवेदी, अभिजीत सिंह सांगा व सुरेंद्र मैथानी, एमएलसी अरुण पाठक व सलील बिश्नोई, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, डीएम आलोक तिवारी, नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी उपस्थित रहे। आप कल्पना कर सकते हैं तो आने वाले समय में इसका स्वरूप कितना शानदार रहेगा। सारका एडी पकड़ लो, सारका लाइव एंड साउंड सारका जी माध्यम से कार्यक्रम को, सारका जी एडी उठा लो भैया। भैया आईडी जो है पकड़ लिया भाई, ये पी हटा ऊपर से। आरती का आयोजन किया गया विस्तार से यहाँ पर समस्त, विशेष तौर से जो कानपुर के निर्माता है वह भी, मेरे भाई एक मिनट, प्रशासन के आईडी थोड़ी बढ़ा, सभी हमारे यहाँ के भैया जेएमडी नीचे कर लो, और समाज में जो अलग अलग तरीके से आरती का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ऐतिहासिक है। अविरल गंगा निर्मल गंगा का जो संकल्प है वो सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों को भी खोजना पड़ रहा है कि गंगा जी में कोई गंदा नाला का पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप भरोसा रखिए, सच्चे मन से गंगा मैया की सेवा करिए। सभी प्रकार के जो कहीं पर भी गंदगी का एक बूंद भी आने वाला होगा तो
प्रवाह भी धीरे धीरे करके सब रुकेगा और जिस गंगा मैया की कल्पना हम करते हैं उसमें हमको दर्शन। कानपुर से सारांश गुप्ता के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।